जय श्री राम, जय महाकाल। दोस्तों, आज मैं आपको दुर्लभ कश्यप की निजी जिंदगी के बारे में बताऊंगा। दुर्लभ कश्यप की माता जी जो सरकारी टीचर थी, जिनका हाल ही में देहांत हो चुका है, और इनके पिताजी मनोज कश्यप, जिनसे मेरी फ़ोन पे बात भी हुई थी और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड भी की थी। मनोज कश्यप इंदौर और उज्जैन के जाने माने बिजनेसमैन हैं और इन्हें पहलवानी का भी शौक़ है। और अब बात करते हैं दुर्लभ कश्यप की प्रॉपर्टी के बारे में। दुर्लभ कश्यप के इंदौर में दो फ्लैट है 1.5-1.5 करोड़ के, और उज्जैन में दुर्लभ कश्यप का एक बंगला भी है जिसकी हाली कीमत 2 करोड़ है। और तो और, दुर्लभ कश्यप जी के पिताजी मनोज कश्यप जिन जो बिजनेस करते हैं उसका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है। परंतु हाल ही में खबर आई है कि मनोज कश्यप साहब ने अब वो बिजनेस बंद कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि अब मैं कमाऊँ तो कमाऊँ किसके लिए, क्योंकि उनकी जो बीवी है उनका भी देहांत हो चुका और उनका सुपुत्र दुर्लभ कश्यप उनकी भी हाल ही में उनका भी देहांत हो चुका है, जो कि आप सभी को पता है। कुल मिलाकर दोस्तों, दुर्लभ कश्यप के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी थी कि अगर वो पूरी ज़िंदगी भी बैठे बैठे खाता तो भी उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाती। पर क्या करें, बहुत अच्छी दोस्ती निभाई उन्होंने, इसलिए जान गवा बैठे दोस्तों के लिए। पर दुर्लभ कश्यप एक डिसिप्लिन वाला लड़का था। वह 6 साल की उम्र से ही अपनी सेहत का ध्यान रखते थे और 4 बजे उठ के रनिंग पे जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, और वह हाल ही में फ्रांसीसी भी सीख रहे थे। इसका मतलब था कि वह विदेश जाके शिफ्ट होने वाले थे। सब कुछ था उनके पास, बस उन्होंने लाइन गलत पकड़ ली और जिसका अंजाम आप आज देख ही सकते हो। अब क्या मतलब रहा दुर्लभ कश्यप का ऐसा गैंगस्टर बनने का कि भरी जवानी में उसका जनाजा उठ गया। दोस्तों, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। हालांकि मैं मानता हूँ कि दुर्लभ कश्यप दोस्तों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई, मगर दुर्लभ कश्यप इस लाइन में जाते ही नहीं तो ऐसा कुछ होता भी नहीं। बस अब मैं यही दुआ करता हूँ कि अब कोई दूसरा दुर्लभ कश्यप बनने की कोशिश ना करे। धन्यवाद।